हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरें ऑनलाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम मुद्दे पर है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। और बहुत ही अहम मुद्दा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा अंत तक देखें। क्रिप्टोकरेंसी का बढ़ता जोखिम। G20 अध्यक्षता में आखिर भारत क्यों चाहता है ग्लोबल फ्रेमवर्क पर बने आम सहमति। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दुनिया का रुख अगले कुछ महीनों में क्या रहेगा, ये भारत की कोशिशों पर निर्भर करता है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि इसको लेकर साझा रूपरेखा बने। क्रिप्टोकरेंसी और इंडिया। भारत फिलहाल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके तहत भारत जलवायु परिवर्तन, फूड सप्लाई चेन जैसे कई मुद्दों पर दुनिया के अलग अलग देशों के बीच एक राय बनाने की कोशिश में है। लेकिन एक ऐसा भी मुद्दा है जिसके बारे में भारत चाहता है कि उससे जुड़े खतरों से निपटने के लिए सभी देशों के बीच सामूहिक रोडमैप बने। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोकरेंसी की। भारत बार बार कह रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दुनिया के हर देश को एक साथ आना होगा और ऐसा रूपरेखा तैयार करना होगा जिस पर सबकी सहमति हो। भारत के इस पक्ष को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, चाहे अमेरिका हो या भारत, दुनिया के अलग अलग मंचों पर रख रही हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता में क्रिप्टोकरेंसी पर साझा रूपरेखा बनाने का लक्ष्य भी रखा है। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत की चिंताओं के पीछे कई सारे कारण हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हाल के कुछ दिनों में क्या कहना है। निर्मला सीतारमण का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुद्दों पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है और उनका ये भी मानना है कि वैश्विक सहमति के बिना क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन का कोई फायदा नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अप्रैल को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान भी कहा है कि भारत इस पर कोई कदम उठाए उससे पहले एक वैश्विक टेम्पलेट बनाना पड़ सकता है और सभी को इस दिशा में मिलकर काम करना होगा, तभी क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने का कोई भी प्रयास प्रभावी होगा, अन्यथा इस तरह के विनियमन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी का मुद्दा G20 के एजेंडे में। भारतीय अध्यक्षता में क्रिप्टोकरेंसी का मुद्दा इस साल G20 के एजेंडे में भी शामिल है। सबसे अच्छी बात यह है कि G20 द्वारा गठित वित्तीय स्थिरता बोर्ड इस मामले पर रिपोर्ट देने के लिए सहमत हो गया है। IMF ने भी क्रिप्टोकरेंसी पर रिपोर्ट दिया है। इन दोनों की रिपोर्ट पर जुलाई में चर्चा होगी, जब G20 के तहत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तरफ से बैठक होगी। उसके बाद जब सितंबर में G20 का सालाना शिखर सम्मेलन होगा तो उसमें सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्रमुख या सरकारी प्रमुख इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। इस महीने 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष के मुख्यालय Washington DC में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक हुई थी। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने को लेकर भारत की G20 अध्यक्षता में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने दुनिया में इस करेंसी के बढ़ते निवेश और इससे संबंधित खतरों को लेकर चिंता जाहिर की थी। भारत की पहल का हो रहा है असर। भारत की चिंता को देखते हुए G20 सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी थी कि भारत के पहल पर सभी देशों ने सहमति जताई है और G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान एक संश्लेषण पत्र लाया जाएगा जिसमें क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े हर मुद्दे को शामिल किया जाएगा। उससे पहले अमेरिका की यात्रा पर की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Washington DC में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े खतरों को लेकर दुनिया को आगाह किया था। अमेरिका के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हाल में क्रिप्टो बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 के एजेंडे में विचार विमर्श का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। निर्मला सीतारमण ने जोर दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े खतरों से निपटने के लिए सभी देशों को एक साझा रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है और G20 की अध्यक्षता में भारत का ये लक्ष्य है। हाल फिलहाल में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX के धराशायी होने के बाद क्रिप्टो बाजार में बिकवाली तेज हुई है। इसके बाद क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े पूरे तंत्र को लेकर लोगों के मन में डर बढ़ने लगा है। भारत चाहता है कि इस तरह के किसी भी जोखिम से निपटने के लिए सभी देश साझा रूपरेखा विकसित करें और ये G20 के भारतीय अध्यक्ष रहने के दौरान ही हो जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के रुख के बाकी देशों को अवगत करा दिया है।
हम जैसे जैसे विकसित की राह पर बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड का रूप लेती जा रही है। इसी डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा एक शब्द है जो पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में है, बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। ये एक प्रकार का वर्चुअल करेंसी है। इस तरह के वर्चुअल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। भारत लंबे वक्त से इस तरह के ग्लोबल फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर देता आ रहा है। भारत सरकार चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी संपत्तियों के नियम को लेकर दुनिया के हर देश संजीदा हों और इस दिशा में सामूहिक सहमति बनाने में मदद करें। दरअसल क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से संचालित है। सबसे बड़ी बात है कि क्रिप्टो करेंसी किसी देश की भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है। एक तरह से ये ऐसी करेंसी है जो बाउंड्रीलेस है, साथ ही जिसे ज़्यादातर देशों के केंद्रीय बैंकों से मान्यता भी नहीं मिली हुई है। भारत यही कहना चाहता है कि कोई भी देश अकेले तकनीक से संचालित होने वाली इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को अकेले प्रभावी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकता है। टेक्नोलॉजी किसी एक देश तक सीमित नहीं है। दिसंबर 2018 की घटना है एक सबक है। बिटकॉइन, लाइटकॉइन, चैनलिंक, बेबी डॉज कॉइन और बिग आइज कॉइन जैसे क्रिप्टोकरेंसी वर्चुअल या आभासी करेंसी हैं, तो इनसे जुड़े जोखिम भी बहुत ही ज़्यादा भयानक हैं। कुछ साल पहले के एक उदाहरण से इसे अच्छे से समझा जा सकता है। एक शख्स की मौत होती है और हजारों लोग एक निवेश डूबने के कगार पर पहुँच जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही एक घटना ने दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी के खतरे और डिजिटल सुरक्षा पर बहस तेज कर दी थी। कनाडा के एक सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्वाडिगा से जुड़ा ये मामला था। 9 दिसंबर 2018 को इस कंपनी के संस्थापक और CEO गेराल कोटेन की भारत दौरे पर मौत हो जाती है। कोटेन की अचानक मौत की दुनिया भर में चर्चा होने लगती है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये कि उनकी मौत के साथ ही 1,00,000 से ज़्यादा निवेशकों की राशि डूबने की कगार पर पहुंच गई। दरअसल गेराल कोटेन कनाडा के सबसे बड़े करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्वाडिगा का CEO थे। 30 साल के कोटेन ही निवेश, क्वाइन और फंड के जुड़े कामकाज देखते थे। कोटेन की मौत से साथ ही 190 मिलियन कनेडियन डॉलर कीमत की करेंसी का पासवर्ड भी उसी के साथ चला गया। ये राशि 1,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा थी। खास बात यह है कि इसमें 5 करोड़ डॉलर की हार्ड करेंसी भी शामिल थी। ये पासवर्ड सिर्फ CEO कोटेन को ही याद था। उस वक्त क्वाडिगा के लगभग 1,15,000 यूजर थे जो क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते थे। टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी पासवर्ड को अनलॉक करने में असमर्थ थे। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि एक पासवर्ड की वजह से इतनी बड़ी राशि दांव पर लग गई। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े खतरों को बनाने या समझने के लिए ये घटना काफ़ी अहमियत रखती है। ये घटना क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती के रूप में याद रखी जाती है। भारत डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। RBI भी इस वक्त क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते चलन को लेकर चिंतित है। इसी को देखते हुए RBI ने क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और बिक्री पर पाबंदी लगाई। इसके लिए पहली बार अप्रैल 2018 में RBI ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसी आभासी करेंसी में हर तरह से लेन देन को बंद कर दिया था। 3 महीने का समय दिया गया था। RBI ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल निवेश और ट्रेडिंग में जोखिम है, जिसे लेकर हमेशा आगाह किया जाता रहा है। इन आशंकाओं को देखते हुए RBI ने 5 जुलाई 2018 के बाद सभी तरह के क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने का फैसला किया था। उससे पहले भी केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी के जोखिम को लेकर लोगों को दिसंबर 2013, फरवरी 2017 और दिसंबर 2017 में आगाह किया था। 1 फरवरी को 2018-19 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी साफ किया था कि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लीगल टेंडर यानी कानूनी रूप से वैध नहीं मानती है। क्रिप्टोकरेंसी को केंद्रीय बैंकों से मान्यता नहीं। दुनिया में मौजूद जितने भी क्रिप्टोकरेंसी हैं उनमें से अधिकांश डिसेंट्रलाइज हैं। इसका साफ मतलब है कि किसी भी सरकार की ओर से ये मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका संचालन ब्लॉकचेन तकनीक पर इस्तेमाल होता है और लोग क्रिप्टो एक्सचेंज के वॉलेट में खरीद बिक्री करते हैं। ये मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है और दुनिया के बड़े बड़े केंद्रीय बैंकों से इसे मुद्रा के तौर पर मान्यता हासिल नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी फिशिंग भी धीरे धीरे बड़ी समस्या बनने जा रही है। लोग निवेश कर कम समय में तेज़ी से अमीर बनना चाहते हैं। इसी का फायदा साइबर फ्रॉड और अंजाम देने वाले लोग या संस्था उठाते हैं।
ऐसे लोग या संस्था नए नए तरीके अपनाकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले लोगों को चूना लगाते रहे हैं। साइबर सेफ्टी फोरम कास्पर सकी के मुताबिक सिर्फ 2022 में ऐसी घटनाओं में 40% की बढ़ोतरी हुई थी। क्रिप्टोकरेंसी का पूरा बाजार अनियंत्रित है तो ऐसे में धोखाधड़ी पर कार्यवाही की संभावना खत्म हो जाती है और इसका लाभ साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को जमकर उठाना पड़ता है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी अवैध है। क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े फ्रॉड की घटना अक्सर सामने आती रहती है। भारत में ऐसी तो क्रिप्टोकरेंसी के लेन देन पर टैक्स है और इसके नियम भी काफ़ी सख्त हैं। फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति पर अनियमित बाजार के दायरे में आता है। क्रिप्टो एक्सचेंज को भारत सरकार रजिस्टर नहीं करती है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी अवैध है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग क्रिप्टोकरेंसी बाजार में निवेश कर रहे हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर केंद्रीय बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर 30% टैक्स की घोषणा की थी। दरअसल ये टैक्स वर्चुअल और डिजिटल एसेट पर लगाया गया था और क्रिप्टोकरेंसी इसके दायरे में आता है। जुलाई 2022 से क्रिप्टोकरेंसी पर स्रोत पर 1% कर कटौती से संबंधित नियम भी लागू कर दिया गया था। ये एक तरह का भ्रम भी पैदा करता है। सरकार का कहना है कि हम क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं देते, लेकिन इससे होने वाले आय पर टैक्स लगाया जाता है। सरकार ने जैसे ही ये टैक्स लगाया, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाला एक बड़ा तबका लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज पर चले गए। इससे माना जा रहा है कि सरकार को राजस्व के तौर पर एक बड़ी रकम का नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में मार्च में ही सरकार ने एक अधिसूचना जारी, एक डिजिटल संपत्ति और फिएट मुद्रा, वर्चुअल डिजिटल एसेट और ऐसी ही अन्य डिजिटल संपत्ति के व्यापार अपने पास रखने और इससे संबंधित वित्तीय सेवाओं को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में ला दिया है। आम भाषा में कहें तो क्रिप्टोकरेंसी भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में है। भारत को 2 साल पहले से ही इस पर कानून बनाने का विचार कर रही थी, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी बिल 2021 पर अभी आगे बात नहीं बनी है। पिछले साल दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की ओर से संसद में यह कहा गया था कि अभी इस पर समय लगेगा। सरकार का कहना था कि क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति सीमा रहित है और इसके लिए कोई भी रेगुलेशन तंत्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत है और इस कारण से कोई भी कानून केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भी प्रभावी हो सकता है। जिस तरह से क्रिप्टो संपत्ति का बाजार बढ़ रहा है और भारत के लोगों का भी इसमें निवेश हो रहा है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार चाहती है कि वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा तंत्र बने जिससे क्रिप्टो संपत्ति से जुड़े बाजार पर नियंत्रण रखा जा सके। फिलहाल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और केंद्र सरकार के पास ये एक ऐसा सुनहरा मौका है कि इस दौरान ही क्रिप्टोकरेंसी के मसले रेगुलेटरी सिस्टम पर वैश्विक सहमति बनाने के लिए सभी देशों को तैयार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि क्रिप्टोकरेंसी भारत में कितनी बड़ी पैमाने पर अहमियत रखता है और कितने लोग इसमें निवेश कर रहे हैं और कहां तक सरकार इसको रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।